हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हबीब है। आप देख रहे हैं टेक्नो हैब यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एनवीडीए स्क्रीन रीडर को ऑटोमेटिकली अपडेट होने के लिए कैसे सेट किया जाता है। कई लोग की ये प्रॉब्लम होती है, एनवीडीए स्क्रीन रीडर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। वो इसलिए होता है, उनके सेटिंग्स में ऑटोमेटिक अपडेट्स अनचेक होते हैं, उसीलिए एनवीडीए स्क्रीन रीडर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। तो आज सीखते हैं इसे कैसे फिक्स किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं, रोज़ की तरह ही आज भी कुछ नया। इंसर्ट की और एन की को एट ए टाइम प्रेस कर दीजिए। एनवीडीए मेन्यू, ऐसा प्रेस करने से एनवीडीए मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें जाना है प्रेफरेंसेस सब मेन्यू, जनरल सेट। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग, उस पर एंटर प्रेस कर दीजिए। General settings dialog. यहाँ से आप टैब की मदद लेकर कर्सर को मूव कर सकते हैं। Save configuration, show exit option, play sound when start logging level, combo automatically start NVDA off, use NVDA on the with use currently saved settings on, automatically check for updates to NVDA checkbox not checked alt plus U. यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बताया जा रहा है, automatically check for updates. ये अनचेक है, देखिए। Use automatically check for updates to NVDA checkbox not checked alt plus U. यहाँ पर स्पेस की मदद लेकर चेकबॉक्स पर चेक कर दीजिए। Space checked. और ओके पर एंटर प्रेस कर दीजिए। Okay button. Dialog. तो इस तरह आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आपका NVDA स्क्रीन रीडर अब से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन चेक्ड रहता है, कई बार हमारे कंप्यूटर में हमसे ही ये सेट हो जाता है अनचेक के लिए। तो होप करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस तरीके के वीडियोस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो टेक्नो हैब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।